आज हम आपके लिए लेके आए हैं नमकीन की रेसिपी, वो भी बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रंची, आपके हमारी सबकी फेवरेट नमकीन, वो भी घर पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल नमकीन, बिल्कुल मार्केट वाले टेस्ट के साथ हम बनाने वाले हैं घर पे बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नमकीन की रेसिपी, और हम आपके लिए लेके आए हैं मूंग दाल नमकीन, जो कि एक बहुत पॉपुलर नमकीन है और ये बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आज ये मूंग दाल बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में हम घर पे बनाएंगे और आप इसे स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें धुली हुई मूंग दाल लेनी है। तो ये है धुली हुई मूंग दाल, जिसे हमें पानी में भिगाना है। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल का जो मेज़रमेंट लिया है वो लिया है आधे बाउल, क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ जाती है भीगने के बाद, दाल जो है फूल जाती है। तो आप जितनी भी बनाना चाहते हैं, एक बाउल आधे बाउल मूंग दाल को हमें 4 से 5 घंटे भिगाना है पानी में। तो आप 4-5 घंटे पहले इन्हें पानी में भिगा दीजिए। तो ये देखिए मूंग दाल जो है पानी में भीगी हुई है, और भीगने की वजह से मूंग दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो मूंग दाल अच्छे से फूल के तैयार है, 4-5 घंटे आप इसे भिगाइए। और इसके बाद हमें चाहिए नमक, बाकी आप मूंग दाल को सर्व करने के लिए प्याज, नींबू, धनिया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल प्लेन वाली मूंग दाल की नमकीन बनाना बता रही हूँ, जिसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ हम लेंगे रिफाइंड ऑयल। तो शुरू करते हैं मूंग दाल की ये सबसे आसान टेस्टी नमकीन की रेसिपी। देखिए, तो ये मूंग दाल 4 से 5 घंटे भिगाई है, जिसकी वजह से ये अच्छे से फूल चुकी है, तो साइज़ से डबल हो चुकी है। और आप इसे फिर अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद हमें क्या करना है, मूंग दाल को एक छन्नी के सहायता से हम इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम जो मूंग दाल है छन्नी में छान लेते हैं। तो ये मूंग दाल हमने छन्नी में छान ली है, और अब इस मूंग दाल को 10-15 मिनट इसी तरह इसके ऊपर छोड़ेंगे, जिससे भी जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और उसके बाद इसे हमें थोड़ा सा सुखाना है। अब हमें क्या करना है कि पानी जो है वो अच्छे से सूख चुका है मूंग दाल का, और यहाँ पर हमने एक कॉटन का कपड़ा नीचे बिछा लिया है, जिस पर हम इसे फैलाने वाले हैं। तो ये जो मूंग दाल है आप इसे फैन के नीचे 3-4 घंटे अच्छे से सुखा लीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल ना सूखे लेकिन थोड़ी सी नमी इसमें बनी रहे। उसके बाद हम मूंग दाल का आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस मूंग दाल को अच्छे से फैला लेती हूँ और फैन के नीचे 3-4 घंटे इसे सूखने के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। मूंग दाल सुखाने के लिए हमने 4 घंटे का समय कहा था, लेकिन ये 2 घंटे में ही तैयार हो चुकी है बनने के लिए। तो आप 2 घंटे से फैन के नीचे सुखाइए, उसके बाद ये इस तरीके से सूख चुकी होगी। थोड़ी सी गीली है, फील हो रही है, थोड़ा गीला है, तो उतनी गीली हमें चाहिए। अगर ज़्यादा सुखाएंगे तो ये तेल में जाते ही एकदम जल जाएगी। तो गीली होनी चाहिए, लेकिन ये चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। तो खिली खिली इस तरीके से सेपरेट सूख चुकी है। अब हम यहाँ पर इसे इकट्ठा कर लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम तेल रख देंगे तलने के लिए, गर्म होने के लिए। तो मैं इस मूँग दाल को एक प्लेट में या एक बाउल में बाहर निकाल लेती हूँ। अब आते हैं नमकीन को तलने की बारी। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल हमें मीडियम हीट पे ही गर्म करना है, ज़्यादा तेज नहीं। और यहाँ मूंग दाल भी सूख के बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो चलिए अब इसे तलने का प्रोसेस करते हैं। और तलने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करनी है छन्नी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट तेल में अगर नमकीन डाल देंगे, नमकीन बहुत बारीक होती है तो निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे छन्नी का, जिससे कि हमें निकालने में भी आसानी हो। तो मैं यहाँ पर छन्नी में तेल में इस तरीके से छन्नी को रख देती हूँ। तेल में छन्नी को इस तरह सेट करने के बाद अब हम जो दाल हमने सुखाई है पैन में वो 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डालेंगे, और इसी तरह हमें छन्नी को रखना है जब तक ये दाल क्रिस्पी नहीं हो जाती। यहाँ बीच में 1 से 2 बार इस तरह चला लीजिए। जब तक दाल क्रिस्पी होगी आपको आवाज़ आने लगेगी, दाल का जो वेट है वो लाइट हो जाएगा, ऊपर की साइड आ जाएगी दाल, तब हम समझेंगे दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है।
और ध्यान रखिए दाल का जो कलर है वो हमें डार्क नहीं करना, लाइट ही रखना है। तो ये 2 मिनट में दाल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। दाल बिल्कुल लाइट वेट हो चुकी है और ये देखिए क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है और लाइट शेड है दाल का। तो हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे इसे टिश्यू पेपर पे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो सारा टिश्यू पेपर पे सोख हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे बाहर निकालते हैं और इसी तरह बाकी सभी दाल को तल लेंगे सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पर नमकीन तलने का प्रोसेस कंप्लीट होता है और ये मूंग दाल की कुरकुरी क्रिस्पी नमकीन बनके तैयार है। तो मैं गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद करती हूँ, फिर दिखाते हैं आपको इसके आगे का प्रोसेस। अब जब नमकीन का एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं, प्लेन नमकीन भी खा सकते हैं या फिर आप प्याज टमाटर वगैरह डाल के इसे टेस्टी बना के भी खा सकते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक, तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इस नमकीन को फिल कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए लंबे समय तक। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं एक कंटेनर में फिल। लीजिए दोस्तों, तैयार है मार्केट वाली मूंग दाल की बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी नमकीन, वो भी घर पे सबसे आसान रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मूंग दाल की क्रिस्पी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी नई नई रेसिपीज़ को इन्जॉय करेंगे और इस मूंग दाल की रेसिपी को आप इन्जॉय कर सकते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आराम से एयरटाइट कंटेनर में। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।